सुनाओ बच्चों, फ्रिक्शन में ब्लॉक से बेस्ड क्वेश्चंस का आज आखिरी लेक्चर है। कल हमने फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने भी तरह से ब्लॉक पर फोर्स लग सकते हैं, और फोर्स ब्लॉक और सरफेस के बीच का अगर फ्रिक्शन है तो कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने सीखा था। कल तो जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, मुझे आशा है आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है? वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक। सपोज मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, दोनों तरफ से इंक्लाइंड है, और इसका जो वर्टेक्स इसके ऊपर एक पुली लगी हुई है। एक ब्लॉक यहाँ पर है और एक ब्लॉक दूसरा जो सरफेस है उसके ऊपर है। टू ब्लॉक सिस्टम है, और इसके जो दोनों इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस है, दोनों इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है? अब फ्रिक्शन लग रहा है इसका मतलब हुआ, मान लीजिए पहले अपन यहाँ से एक स्ट्रिंग बना देते हैं, एक स्ट्रिंग से दोनों ब्लॉक अटैच हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो लार्जर मास का जो ब्लॉक है वो डाउन आ जाता है, ये ऊपर चल जाता है, ये क्वेश्चन कहाँ का बन जाता हमारा, एनएलएम का क्वेश्चन बन जाता, ठीक है? लेकिन चूंकि यहाँ पर फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। ये भी हो सकता है कि दोनों का जो फ्रिक्शन है वो सेम हो, ये भी हो सकता है दोनों का फ्रिक्शन अलग अलग हो, ये भी हो सकता था दोनों में जो एंगल है या दोनों तरफ से सेम एंगल पर इंक्लाइंड हो सकता था, ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ से अलग अलग तरह के एंगल हो। तो इसके हम सारी पॉसिबिलिटी लेकर के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक फोर्स तो आप मेरे से बिना पूछे लगा सकते हो कि एक सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स लगेगा इसी, वो टेंशन फोर्स किधर लगेगा, पुली की तरफ, ये टेंशन ये तो अपन बिना पूछे लगा लेंगे। उसके बाद बचे इनके वेट वाले, तो मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है और ये मान लो 5 kg का ब्लॉक है, तो आप यहाँ पर ये नहीं लगा लें हमेशा कि ये 5 kg के नीचे ही आएगा, 2 kg नीचे नहीं आएगा, ये भी हो सकता है 2 kg नीचे आ जाए, तो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल्स टू। तो मान लो ये कोई एंगल है 37 डिग्री का है, तो ये एंगल हमारा 57 डिग्री का है, तो यहाँ पर अगर इसके मैं बैलेंस बनाऊंगा फोर्सेस का, तो आपको पता है वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो 2 kg का जो वेट हुआ कितना हुआ बेटा, 20 न्यूटन हुआ। इस 2 kg वाले ब्लॉक के ऊपर जो वेट लगेगा इसका हमेशा ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, मैंने भी बताया था, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस 20 kg के एमजी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि ये 37 डिग्री, तो नेचुरली ये भी 37 डिग्री ही होगा। ऊपर यहाँ पर इसका नॉर्मल रिएक्शन लग गया N1, अगर इसको ब्लॉक 1 मान लें अपन तो, और इधर क्या हो जाएगा 20 cos 37 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 20 sin 37 डिग्री, ये इसके कंपोनेंट्स बन गए हमारे, जो कि जानते हैं तुम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, जिधर एंगल होता है उधर कोस वाला कंपोनेंट आता है और उसके परपेंडिकुलर साइन वाला कंपोनेंट आता है। तो 20 cos 37, 20 sin 37, N1 इसके ऊपर नॉर्मल हो गया, इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस से काम करता। सेकेंड ब्लॉक देखते हैं, नेचुरली इसका जो वेट है वो तो नीचे ही लगेगा बेटा, और नीचे कितना वेट लगेगा आप जानते हो, 50 न्यूटन लग जाएगा। अब इस 50 न्यूटन के 2 कंपोनेंट्स होंगे, ये 53 डिग्री है, ये एंगल भी कितना होगा, 53 डिग्री ही होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा क्या हो जाएगा, ऐसा कॉस कंपोनेंट 50 cos 53, और ये जो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा 50 sin 53, और इसके ऊपर जो नॉर्मल है वो क्या हो जाएगा, मान लो N2 सेकंड ब्लॉक इसको मान ले, तो नॉर्मल N2 इस पर मान सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको मैंने सिखा रखा है कैसे वेट लेते हैं और वेट के 2 कंपोनेंट्स लेते हैं, ठीक है ना? राइट में कोस कोस कंपोनेंट होता है, इस साइड क्या होता है, साइन कंपोनेंट। तो बेटा दोनों के अपन ने कंपोनेंट दे लिए। अब एपीडी बनाने के लिए इनकी वैल्यूज की अपन को चाहिए, वैल्यूज अपन निकाल लेते हैं पहले इनकी, चाहे तो या देखो यहाँ से, क्योंकि फ्रिक्शन है, मान लो इसका फ्रिक्शन है 0.3 और इसका जो फ्रिक्शन है यहाँ पर मान लो 0.2। अभी मैंने म्यू के नहीं दिया है, केवल म्यू एस ही दिया है, क्योंकि म्यू के देने से क्या है फिर और लंबा
क्वेश्चन हो जाएगा, लंबा क्वेश्चन मैं करना नहीं चाह रहा, ठीक है। अब जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो लंबे क्वेश्चन भी करेंगे। तो एन वन इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो ध्यान से, एन वन इज इक्वल टू 20 cos 37, ठीक है बेटा। 20 cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, तो 4 4 = 16 न्यूटन हो गया। एन वन हमारे पास 16 न्यूटन आ गया, तो इस ब्लॉक के और सरफेस दोनों के बीच में फ्रिक्शन दे रहा है अपन को μ3, तो मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स 1 बोल देते हैं। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μN1, μ इज व्हाट 0.3, N1 16 है, 16 3 = 48 हो जाएगा 4.8 न्यूटन। यहाँ तो फ्रिक्शन भी हमारे पास आ गया, इस बॉडी का FBD बना सकते हैं अपन, ठीक है। इधर 20 sin 37 जो F एक्सटर्नल है, यहाँ पर F एक्सटर्नल 1 मान ले इसको भी, तो क्या हो जाएगा 20 sin 37, और इसको बोलेंगे 20 × 3/5, ये कितना हो गया 12 न्यूटन। इधर 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये मान के चलते हैं 5 kg वाला ब्लॉक है, ये डाउनवर्ड आएगा, और 2 kg वाला ब्लॉक किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो इसके अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ध्यान से देखो जरा, ये 2 kg ब्लॉक है, इसके ऊपर इस तरफ क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। अब क्योंकि इसकी मोशन जो है वो अपवर्ड है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर माना अपन ने, अपवर्ड है। एक्सेलरेशन डायरेक्शन का अपवर्ड है, इसका मतलब पी विल बी लार्जर देन दीस टू फोर्सेस। अब ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, इसके नीचे की तरफ लगेगा F1, ठीक। तो यहां पर कितने फोर्स हो गए इसके पास, एक तो F एक्सटर्नल 1 हो गया, और एक क्या हो गया F1, और ये T और जा ही रहा है, तो कौन सा फोर्स बड़ा हुआ, टेंशन फोर्स। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, T - F1 कितना है भाई, F1 4.8, F एक्सटर्नल 1 कितना है, F एक्सटर्नल 1 12 न्यूटन is equal to mass into acceleration 2a. net force हो गया बड़ा force minus छोटा force is equal to mass into acceleration, f is equal to ma होता है, simple सी बात है। तो t minus 16.8 is equal to 2a, ये हमारा equation 1 हो गया, और ब्लॉक के ऊपर जितने भी force लग रहे थे उन सारे forces का अपन ने निकाल लिया कि ये ब्लॉक क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है। हमें पता लग गया कि टेंशन की वजह से ऊपर जा रहा है, क्योंकि टेंशन जो नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं उनसे ज्यादा है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, दूसरे वाले पे देखो, दूसरे ब्लॉक को देखो ध्यान से, 5 kg वाले को। पहले नेचुरली क्योंकि फ्रिक्शन दे रखा है तो N2 निकालना पड़ेगा अपन को। व्हाट इज N2, N2 इज इक्वल टू कितना है, 50 cos 53 का मतलब क्या हो गया, 50 × cos 53 की वैल्यू क्या होती है, 3/5, 30 न्यूटन आ गया, ठीक है भाई। यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे यहाँ पर लगने वाला, तो फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, F2 is equal to μs into N2, what is μs, 0.2 into N2 कितना है 30, 3 × 2 = 6 न्यूटन आ गए। और क्या है भाई, एक्सटर्नल देखो, F एक्सटर्नल कितना है, F एक्सटर्नल 2 50 sin 53, तो 50 × sin 53 का मतलब 4/5, 10 4 = 40 न्यूटन, राइट। सारे फोर्सेस कैलकुलेट हो गए। अब बिकॉज दिस 5 kg ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, दिस 5 kg ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी अप द प्लेन और डाउन द प्लेन, अप द प्लेन, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन नीचे है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, किधर लगा था मुझे इधर, ये F2 किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा, ठीक है बेटा। चलो वही बना देता हूं मैं इसका, ये इधर क्या क्या लग रहा है हमारे पास, 50 sin 53, यानी कि F एक्सटर्नल 40 न्यूटन, ऊपर की तरफ एक तो टेंशन है ही सी, और एक F2 लगा, F2 अपन ने कैलकुलेट किया था अभी 6 न्यूटन, ठीक है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इक्वेशन क्या बनेगा बोलिए, 40 माइनस P plus 6 is equal to, ये ब्लॉक कितने का है, 5 का, तो 5 है, तो it gives me 40 minus 6, यानी कि 34 minus P is equal to 5 है, and it will be my second equation. थोड़ा complicated है लेकिन easy है, लगने में दिखने में रहे और इतने सारे तो forces हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हमें केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि ब्लॉक का मोशन किधर है,
ग्लोब के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा दो, बाकी बैलेंस करना आपको आता ही है कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस ग्लोब को एक से मैंने बताया कि 50 sin 53 जो है, जो 40 न्यूटन आ रहा है वो बड़ा है क्योंकि नीचे आ रहा है, तो इसको मतलब इट इज द लार्जर फोर्स देन F2+3। ऊपर की तरफ P लग रहा है और F2 लग रहा है, F2 अपन ने इधर कैलकुलेट कर लिया था दैट इज 6 न्यूटन। तो T+6 अपोजिट डायरेक्शन में, 40 डाउनवर्ड है, 40 माइनस 6 हो जाएगा 34, माइनस 3 इक्वल टू 5 है। नाउ आई हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करके मैं इजीली एक्सेलरेशन इस ग्लोब का या सिस्टम का फाइंड कर सकता हूं। तो देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर देता हूं, इससे टी कैंसिल हो गया, 34 माइनस 16.8 इज इक्वल टू 2 उधर है, 5 इधर है, तो कितना हो गया ये 7a, माइनस करो जरा कितना आ जाएगा ये 34 में से 16.8 माइनस करो, क्या 7 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 7 टू 14 3 32, 7, 4, 28, 4, 7, 5, 2.45 meter per second square is the acceleration of the system. Got it or not? कोई doubt हो तो पूछ लीजिए, आप बोल सकते हैं, बोल के भी बात कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन हैं तुम्हारे पास, नोट कर लो अगर क्लियर हो गया तो। फिर एक क्वेश्चन घुमा, अब देखो अपन कुछ ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, कि मैंने अपनी तरफ से जितने तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सारी संभावनाएं, सारे पॉसिबिलिटीज मैंने आपको सिखा दी। सिंगल ब्लॉक है, प्लेन में रखा है तो क्या होगा, सिंगल ब्लॉक अगर किसी इंक्लाइन पर रखा है तो क्या होगा, अकेला रखा है तो क्या होगा, स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दूंगा दो ब्लॉक्स को तो क्या होगा, ये सारी पॉसिबिलिटीज अपन ने यहाँ पर सीख ली है। अब अपन कोशिश करते हैं कि जो आए हुए प्रॉब्लम्स हैं एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स अपन देखते हैं। मुझे लगता है आप इनको देखते ही कर दोगे प्रॉब्लम्स को, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की। एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन है मेरे पास, एज शोन इन फिगर द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव ऑन द ग्लोब इज, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ग्लोब इज, ठीक है, हमें ग्लोब दे रखा है एक, और ग्लोब पे 10 केजी का एक फोर्स लगाया है इधर इन्होंने 30 न्यूटन का, ठीक है, और म्यू इज इक्वल टू दे रखा है 0.5, और आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। फर्स्ट ऑप्शन है 50 न्यूटन, सर फ्रिक्शन के बाद क्या है, फ्रिक्शन फोर्स acting on globe, second option is 30 newton, third option is 20 newton और fourth option is none। आपको बताना है कि इसमें friction क्या है, इस globe पर friction कितना लगेगा। सोच समझ के करना, पहले दिन से जो सिखा रहा हूं वहां से चालू हो जाएगा। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं अपन, एफएमएस, पहले एफएमएस फाइंड करो, एफएमएस हमें बताएगा कि ग्लोब मूव करेगा या नहीं।
पहले तो अपने यही पता करना है कि ब्लॉक मूव भी कर रहा है या नहीं कर रहा। ब्लॉक मूव करता है तो क्या होता है, ब्लॉक मूव नहीं करता है तो क्या होता है, मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो पहले एफएमएस निकालो इसके ऊपर। एफएमएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका वेट देखना पड़ेगा भाई, 100 न्यूटन ऊपर हो गया नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा इस ब्लॉक के ऊपर बोलो, कि एन माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो। सर बी n इज इक्वल टू 100 न्यूटन आया, ठीक है। एफएमएस कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज एफएमएस, म्यू एस एन, व्हाट इज म्यू एस, 0.5, n इज 100, ये हो गया 50 न्यूटन, करेक्ट है। एफएमएस आया, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है मैक्सिमम वो इसके ऊपर 50 न्यूटन है। आपसे पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, क्या 50 न्यूटन होगा, क्या फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन है? Yes, because FMS condition याद करो मैंने सिखाई थी, FMS is greater than F external, block does not move, block does not move, और जब block move नहीं करता तो external force ही किसके equal होता है, friction force ही होता है। इसका मतलब friction force is equal to F external, F external कितना है 30 न्यूटन, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 न्यूटन। याद आया भूल गए, फ्रिक्शन के पहले लेक्चर में सिखाया था मैंने आपको ये कि सबसे पहले FMS फाइंड कर लो, और अगर FMS इज ग्रेटर देन F external, क्योंकि FMS तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है ना भाई, और हमारे पास तो कितना है F30 है, और मैंने FMS के बारे में ये भी बताया था कि इट इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, 50 न्यूटन तक के सेल्फ एडजस्ट होता रहेगा, इसका मतलब द आंसर इज 30 न्यूटन। वेरी गुड, जिसने 30 न्यूटन बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो समझ आ गया सबको, ये कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखो यहां पे कंसीडर द सिचुएशन एज शोन, कंसीडर द सिचुएशन एज शोन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ maximum value of f such that the block does not move, ठीक है। ब्लॉक के ऊपर ऐसे दे रखा है, देखो ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक है हमारा √3 kg का, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है एफ, और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर है, ठीक है। पुशिंग फोर्स है इसका मतलब साफ दिख रहा है, और यूएस दे रखा है आपको 1/2√3। ऑप्शन है इसके, फर्स्ट ऑप्शन 5 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है 10 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है 15 न्यूटन, और फोर्थ ऑप्शन है 20 न्यूटन। आपको बताना है कि F की वैल्यू क्या होगी कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, याद है आपको एफएमएस निकालना पड़ेगा।
ध्यान से देखो जरा, इसका फोर्सेस के बैलेंस देखते हैं। ये तो हो गया हमारा रूट थ्री इंटू टेन, ऊपर हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं अपन कि n माइनस रूट थ्री, टेन रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया टेन रूट थ्री न्यूटन। एफ एम एस फाइंड करते हैं, एफ एम एस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू एन। न्यू कितना है भाई, वन बाय टू रूट थ्री, और एन कितना है टेन रूट थ्री। रूट थ्री से रूट थ्री, टू से टेन, फाइव फाइव न्यूटन आ गया। एफ एम एस है फाइव न्यूटन, एफ एम एस कितना है फाइव न्यूटन, ठीक है। अच्छा अब इस एफ के कंपोनेंट ले लो, एफ का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बताओ, एफ कोस 60 और ये हो जाएगा एफ साइन 60, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मूव कराने वाला आ गया भाई, इसको मूव कराने वाला जो है कोस क्या हो जाएगा, पहले एफ साइन 60 भी इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से, यहां से एफ एम एस फाइव कैलकुलेट हो रहा है, एफ कोस 60 का मतलब क्या हुआ, कोस 60 हो गया 1 बाय 2 एफ बाय 2, करेक्ट। और ऊपर की तरफ लगा हमारा एफ साइन 60, एफ रूट 3 बाय 2, तो मैक्सिमम वैल्यू एफ एम एस क्या होना चाहिए 5 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा, तो अगर मैं यहां पर 5 लिख दूं तो कुल कितना हो जाएगा बताओ, क्या आएगा सोच करके बताओ जरा। क्या मैंने एन निकाला जो सही है? नो सर, वो ऐड होगा। हाँ ऐड होगा, तो उसको ऐड करके निकालो। इसका मतलब एन हमें प्लस करके निकालना पड़ेगा, एन प्लस करके निकालो जरा। तो एन प्लस एफ साइन 60 इज इक्वल टू नीचे की तरफ कितना है टेन रूट थ्री। इसका मतलब एन इज इक्वल टू क्या है, टेन रूट थ्री माइनस एफ साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू। यहाँ से एफ एम एस क्या हो जाएगा, एफ एम एस हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 3 टाइम्स 10 रूट 3 माइनस एफ रूट 3 बाई 2, करेक्ट। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 से रूट 3 तो जाएगा 5 माइनस 1 बाई 2 रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल एफ बाई 4। देखो सही कर रहा हूँ ना, रूट थ्री माइनस एट रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री को अंदर बैठे टू से फाइव बार कट जाएगा, रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल, यहाँ पर रूट थ्री कैंसिल तो टू ए बाई फोर एम एम एस आएगा, ठीक है। और जो उसको चलाने वाला फोर्स है वो तो कितना है देख, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ को 60 यानी कि एफ बाई टू। अब देखो कौन सा बड़ा है, एफ बाई टू बढ़ा है या फाइव माइनस एफ बाई फोर बढ़ा है, कौन सा बड़ा फोर्स होगा इसका, एफ बाई टू इसलिए मैक्सिमम फोर्स क्या है इसमें 20 न्यूटन, मैक्सिमम फोर्स आएगा इसका 20 न्यूटन।
प्लस आएगा, मैं उल्टा कर दे इसको, ये देखो इसे मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लोग दे रखा है, इसकी मास है 5 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 और इसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बनाता है। द एक्सेलरेशन ऑफ लॉग इज, आपके पास क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ऑफ लॉग इज, ऑप्शन है 6, 8, 10, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फटाफट निकाल के बताओ, इजी क्वेश्चन। एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड करना है, एक्सीलरेशन निकालना है, इसका मतलब एफएमएस विल बी लेस देन द एफ एक्सटर्नल। कंपोनेंट बनाइए पहले, इसका वेट आ गया 50, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ क्या है, ये तो गया 50 cos 37, 50 sin 37, 50 sin 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 37 का मतलब 3/5, 10 3 30, करेक्ट। यहाँ से n प्लस 30 इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 20 न्यूटन, n 20 है और साइड में जो फोर्स लग रहा है हमारा 50 × 4/5, 5 × 10 = 40, 40 इज ग्रेटर देन 20, तो क्या करेंगे, एयर फ्रिक्शन नोट कर लो, एफ एम एस यू एस एन 0.5 × 20 10 न्यूटन, ठीक है। तो इधर लग रहा है हमारा 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 40 न्यूटन, तो एफ एक्सटर्नल माइनस एफ एम एस लोग मूव करेगा, 40 − 10 मास कितना है 5, 30 = 5, a = 6 m/s² आ रहा है। चेक करो, देखो 6 m/s² आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, द
इस तरह का कोई क्वेश्चन है जो अपन ने टेबल वाला किया था 0.6105 ग्लोब है, यहाँ से इससे पास हो रहा है, ये 5 केजी का ग्लोब है, ये 10 केजी का ग्लोब है, न्यू दे रखा है US 0.6। आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है आपको और आपके ऑप्शन है। देखो अब ये पता करो कि ग्लोब मूव ही करेगा या नहीं करेगा, पहले पहले फाइंड करना पड़ेगा कि ग्लोब मूव करेगा या नहीं करेगा। पेन का वेट हो गया 100, नॉर्मल हो गया ऊपर, तो एन इज इक्वल टू 100। इधर की तरफ जो एफ एम एस लगेगा, एफ एम एस क्या हो जाएगा, म्यू एस एन, ठीक है। एफ एम एस हो गया हमारा 0.6 इंटू एन कितना है 100, 60 न्यूटन हो गया। डज नॉट मूव, क्योंकि इधर लग रहा है कितना 50 न्यूटन। तो टेंशन क्या होगा बताओ, इसमें 50 न्यूटन होगा या 60 होगा? 50 न्यूटन। ये खींचने वाला ये 50, ये 50, ये 50 और ये एफ एम एस आ रहा है 60, तो सेल्फ एडजस्टिंग लगेगा ना फ्रिक्शन, तो एफ टेंशन इसमें हो जाएगा पी इज इक्वल टू 50 न्यूटन। और आपसे कोई पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, हम बोलेंगे 50 न्यूटन, करेक्ट। डॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, मतलब थीम वही रहती है लेकिन थोड़ी सी चीजें चेंज कर देते हैं, वो क्वेश्चन को अजीब बना देते हैं। ये बोला कि 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, यहाँ पर एक ग्लोब है, यहाँ पर दूसरा ग्लोब है, ठीक है, और इनकी वैल्यूज है एम टू एम, इसका मास m है, इसका मास 2m है, हमें वैल्यूज नहीं दी है, कोई बात नहीं, लेकिन फ्रिक्शन दिया है उसने, लेफ्ट साइड का फ्रिक्शन है 2/3, राइट साइड का है 1/3, यहाँ पर है 2/3 और यहाँ पर है 1/3। आपको बताना है एक्सीलरेशन, आपको एक्सीलरेशन बताना है। अभी जो अपने लास्ट में जो क्वेश्चन किया था प्रॉब्लम करने से पहले वो सेम है, एम एम सब जगह कट जाएंगे, ये ट्राई करो आप लोग, ट्राई योर सेल्फ, ये आपको करना है। अगर टाइम हो जाए इस बीच में तो इसका आंसर व्हाट्सएप पे भेज देना, एम ओ टू एम के ब्लॉक बनाओ, वो एलपीडी बनाओ और सॉल्व करो इसको। दोनों के फ्रिक्शन अलग अलग हैं, दोनों के मास अलग अलग हैं, लेकिन चांस की बात है कि दोनों के एंगल सेम हैं।
आना चाहिए बेटा सबको। अबाउट टू ओवर द मीटिंग, आप इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा शाम तक, मैं थोड़ी देर में इसकी वो भेज दूंगा, ठीक है।